नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक समाचार बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पेंशन परिवर्तन महारैली, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, क्रोन्नति, समयमान वेतनमान अनुकंपा को लेकर आज यानी कि 7 तारीख और आने वाली 11 जून बड़ी खबर है। जानेंगे समस्त प्रकार शिक्षक अध्यापक देखें और इस पर अपने विचार जरूर। मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षकों का संभागीय सम्मेलन 7 जून को रीवा में होगा। वहीं 11 जून को सतना में परिवर्तन महारैली एवं ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विनय कन्नौजिया और जिला अध्यक्ष देवंत पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश के अध्यापकों की लंबित मांगों के समर्थन में प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर रीवा संभाग के अध्यापकों ने 7 जून को मानस भवन रीवा में एक विशाल बैठक सह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के अध्यापक शिक्षक अपने हितों की रक्षा और जायज मांगों के लिए अब सब एक हैं। इसी क्रम में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल, राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव और शासकीय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे, राज्य शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष राकेश नायक, प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोहर दुबे शामिल होंगे। 11 जून को सतना समेत प्रदेश के समस्त जिलों में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सभी प्रांत अध्यक्षों के आह्वान एवं सभी जिला अध्यक्षों आदि के नेतृत्व में पेंशन परिवर्तन महारैली ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये हैं प्रमुख मांगे। पुरानी पेंशन बहाली, रोके गए क्रमोति, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ग्रेजुटी बीमा आदि का लाभ, समयमान वेतनमान, मृत अध्यापकों के परिवार का बिना शर्त अनुकंपा, नियुक्ति सहित लोकायुक्त प्रकरण में अकरण लंबित रखे गए रीवा और सतना जिले के अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति आदि मांगे विगत 4 वर्षों से लंबित हैं, जिसके संबंध में कई बार ज्ञापनों के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन आज तक समस्या निरकित नहीं हो पाई है और जस की तस बनी हुई है। संगठन एक बार पुनः ज्ञापन रैली निकालकर समस्याओं से प्रशासन और सरकार से अवगत कराएगी। उक्त कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा अध्यापक शिक्षक पहुँचने की अपील आज अध्यापक शिक्षक संघ ने की है।